ए आकाशवाणी जम्मू ऐ संजा खबरें च तुंदा स्वागत। पहले खास खास खबरें कन्नै मैं श्रुति खजूरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आखेआ जे भविक्ख च भारत अंदर भ्रष्टाचार जातिवाद ते सांप्रदायिकता लेई कोई बी थाह्र नेईं होग। सांसद जुगल किशोर शर्मा होरें आखेआ जे इक राष्ट्र इक चुनां मुल्खै दे हित च ऐ। सुरक्षाबलें बन्ने आह्ले जिले राजौरी च बेले सिर इक आईईडी दा पता लाइयै इक बड्डी घटना गी उनें थमां टाली दित्ता ऐ। ते जम्मू च साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुंदी मूर्ति थमां पर्दा गोआड़ेआ गेआ। खबरें दी तफसील कन्नै विजय बजाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आखेआ जे 2047 तगर भारत इक विकसित मुल्ख बनी जाग। उनें आखेआ जे भ्रष्टाचार जातिवाद सांप्रदायिकता दी साढ़े राष्ट्रीय जीवन च कोई थाह्र नेईं होग। प्रधानमंत्री होरें एह् गल्ल नमीं दिल्ली च G20 शिखर सम्मेलन कोला पैहले इक खबर एजेंसी गी दित्ते गेदे इंटरव्यू च आखी ऐ। उनें गलाया जे भारत दे लफ्जें ते नजरिये गी अज्ज दुनिया अपने भविक्ख सरबंधी रूपरेखा दे तौरे पर दिक्खा करदी ऐ। श्री मोदी होरें इब्बी आखेआ ऐ जे G20 समूह दिएं मंत्री स्तरी बक्ख बक्ख बैठकें च लैते गेदे फैसले पूरी दुनिया दे भविक्ख आस्तै महत्वपूर्ण ते फायदेमंद साबत होंगन। उनें आखेआ जे भारत दा नजरिया छड़े विचार गै नहीं हैन ते भारत दी G20 दी प्रधानता तैह्त केई सकारात्मक नतीजे सामने आवा करदे न। प्रधानमंत्री होरें आखेआ जे भारत दी G20 दी प्रधानता दा विशे वसुधैव कुटुंबकम छड़ा इक नारा गै नहीं ऐ सगुआं इक आदर्श ऐ जेहड़ा मुल्ख दी सांस्कृतिक विरासत थमां हासल होए दा ऐ। सांसद जुगल किशोर शर्मा होरें आखेआ जे इक राष्ट्र इक चुनाव मुल्ख दे हित च ऐ। जम्मू च इक कार्यक्रम दे बाहरें बोलदे होई सांसद होरें आखेआ जे इक राष्ट्र इक चुनाव ने पूरे मुल्ख च इस बारे चर्चा शुरू करी दित्ती है। श्री शर्मा होरें इक राष्ट्र इक चुनाव गी मुल्ख लई फायदेमंद करार दित्ता है। उन्हें आखिया फिर 3 महीने इलेक्शन होंगे, कोई जनवरी में इलेक्शन हो रहे हैं, कोई दिसंबर में इलेक्शन हो रहे हैं, उसके बाद पार्लियामेंट का भी इलेक्शन आ जाता है, तो रोजमर्रा इलेक्शनों में ही हमारा जो पैसा भी उपयोग होता है और फिर जो देश की तरक्की है वो भी रुक जाती है। कोड ऑफ कंडक्ट लगते हैं और इसके अलावा जो कर्मचारी इलेक्शनों में लगते हैं वो कर्मचारियों का दायित्व है, देश के विकास में उन्होंने अपना योगदान देना है, वो सारे अपने कार्य छोड़कर इस इलेक्शन में लग जाते हैं, तो समय की भी बर्बादी होती है। ये एक अच्छी बात है कि पैसा भी बचेगा और वो विकास पर लगेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह होरें मेरी माटी मेरा देश अभियान तहत अज्ज उधमपुर जिले की टिकरी थार का दौरा लाया ते देशा लई सर्वोच्च बलिदान देने वाले नायकें गी श्रद्धांजलि अर्पित कीती। इस सरबंधै च उत्थे केई कार्यक्रमें दा आयोजन कीता गया। इस मौके पर बोलदे होई केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह होरें आखिया मेरी माटी मेरा देश जिहड़ा कार्यक्रम देशव्यापी प्रारंभ होया है सरकार दे स्तर पर, ते सच पुछो ते इक चाली दा जन अभियान बनी चुके दा है। इहदे च सरकार भी है, संगठन भी है, समाज दे बखरे बखरे वर्ग भी है। हुण सवाल यह पैदा होंदा है भई इहदे पिछे दी कल्पना की है, भाव की है। भारत माता दी रक्षा कुने कीती, जिहड़े शहीद है जिन्हें अपने बलिदान दित्ते देश वास्ते। मोदी जी ने आख्या अज जगह जगह जाइए ऐसे शहीदों का सम्मान करचै, उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करचै, कि उन्नी गै धरती की मिट्टी इकट्ठी हो एक विशाल कार्यक्रम होना अक्तूबर के महीने इंडिया गेट दिल्ली के कोल एक अमृत एक वन बनाना जिसे सारे मुल्क की मिट्टी एक जगह हो। सिड़क ट्रांसपोर्ट ते जरनैली सिड़कें संबंधी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी होरें अज्ज आखेआ ऐ जे जम्मू कश्मीर दे डोडा जिले च बनाई गेदी खलैनी सुरंग दा दर्जा बधाइयै इसी दौं लेनें आली बनाया जाग। सोशल मीडिया मंच एक्स पर कीती गेदी इक पोस्ट च श्री गडकरी होरें आखेआ जे इस गैं कन्नै मकामी अर्थव्यवस्था ते खित्ते दे बसनीकें गी बड़ा मता लाह हासल होग। उनें इब्बी आखेआ जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदे कुशल मार्गदर्शन हेठ एह महत्वकांक्षी परियोजना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर च विकास की तेज रफ्तार गी बधाने आली साबत होग। उनें दस्सिया जे इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई तकरीबन 2.41 किलोमीटर होग ते NH 244 परे की राबता सिड़कै च भी सुधार किया जाग। साबका उप मुख्यमंत्री ते बीजेपी के नेता डॉ निर्मल सिंह होरें डोडा जिले का दौरा लाया। उनें आतंकवाद खिलाफ लड़ाई च शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार आलें कन्नै मलाटी की। डॉ निर्मल सिंह ते होरने दुए नेताएं शहीदें गी श्रद्धांजलि अर्पित की ते उत्थुआं मेरी माटी मेरा देश तहत मिट्टी किट्ठी की जिसी दिल्ली लेता जाग। इस मौके बोलदे होई डॉ निर्मल सिंह होरें आखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा जो कार्यक्रम पूरे देश को दिया गया है मेरी माटी मेरा देश, हर घर की मिट्टी आएगी। शुरुआत हम हमारे जहां पर जो शहीद हुए हैं, चाहे वो सेना के लोग हैं, सुरक्षा बल के लोग हैं, या फिर वो सिविलियंस जिन्होंने यहां की जमहूरियत के लिए शांति के लिए जो है उन्होंने कुर्बान किया, उनके घर में भी जाएं, वहां से शुरुआत करेंगे। ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है,
देश को जोड़ने का। कई प्रकार की फोर्सेस कोशिश कर रही कि हिंदुस्तान टूटे। सभी को देखे प्रधानमंत्री जी ने जो कॉन्सेप्ट दिया है 140 करोड़ लोगों को हम जोड़ेंगे। भन्नियाले जिले रजौरी च सुरक्षा बलें अज्ज इक शक्तिशाली IED विस्फोटक दा पता लाइयै इक बड्डी घटना गी उनें थमां टाली दित्ता ऐ। इस IED गी रुट्टी दे डब्बे च रखेआ गेदा हा। एह् डब्बा सुरक्षाबलें गी जम्मू पुंछ राष्ट्रीय जरनैली सिड़कै कश संघपुर थाहरै कश लब्भा, जेह्दे मगरा सिड़कै पर गड्डियें दी आओजाई रोकी दित्ती गेई। बंब नकारा करने आह्ले दस्ते गी फौरी तौरै पर उत्थे सद्देआ गेआ ते मगरा उनें इसगी नकारा करी दित्ता। पुलस ने इस सरबंधै च मामला दर्ज करी लैता ऐ ते अगड़ी पड़ताल कीती जा करदी है। इस IED गी कुन्ने उत्थे लाया हा, इस बारे तफतीश जारी है। एह् खबरां तुस आकाशवाणी जम्मू थमां सुनारदे ओ। बाकी दियें खबरें कन्नै श्रुति खजूरिया। साबका उप मुक्खमंत्री कविंदर गुप्ता ते भाजपा दे जम्मू कश्मीर च महासचिव अशोक कौल होरें साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुंदी मूर्ति थमां परता गोआड़िया। इस मौके पर होर दुए वरिष्ठ नेता भी उत्थे मौजूद हे। एह मूर्ति पंचतीर्थी जम्मू च पार्किंग थाहर कश लाई गेदी है। इस मौके पर नेताएं अटल बिहारी वाजपेयी हुंदे आसेआ राष्ट्र लई दित्ते गेदे उंदे योगदान गी चेता कीता। इस मौके पर बोलते हुए साबका उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता होरें आखिया, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी जो जनसंघ के समय से हमें लीड करते रहे हैं, जिन्होंने राजनीति को एक सुशासन का नाम दिया गया और उनके काल से जो कांग्रेस ने दूसरे दलों ने लूट मचा के रखी थी उस काल को खत्म किया गया। आज जो नेशनल हाईवे बन रहे हैं ये अपनी की ही देन है। लगातार 60 साल संसद में रहना ये अपने आप में एक अद्वितीय समय था। आज जो धारा 370 टूटी है ये उन्हीं की जो एक कोशिश है उसी का परिणाम है। उधमपुर जिले च तेंदुए दे हमले च 4 बरें दी इक बच्ची दी मौत होई गई है। हासिल जानकारी मूजब तेंदुआ इस बच्ची गी ओदे घरा अंदरा गै लेई गया। मुकामी लोकें बच्ची दे घरे थमां कोई 2 किलोमीटर दूर ओदी लाश बरामद कीती। घटना दी जानकारी थ्होंदे गै जम्मू कश्मीर पुलस ते वन्य जीव मैह्कमे दी टीम मौके पर पुज्जी गई। तोआई इस आदमखोर तेंदुए दी तलाश लई अभियान चलाया गया है। इस बारे मती जानकारी दिया करदे न वन्य जीव मैह्कमे दे रेंज अफसर राकेश शर्मा। 7:30-8 बजे के करीब जो हमें रिपोर्ट मिली, एक 3-4 साल की छोटी बच्ची को लैपट ने कहीं ट्रैप करके वो ले चुका है और ये भी जो एज रिपोर्टेड कि वो घर के पास से ही उसको लिया है। तन्नू बच्ची का नाम है और उसके पेरेंट इज गणेश कुमार बंजाला नरोड फॉरेस्ट कंपार्टमेंट 60 के पास का ये वाकया पेश आया है। पता चल रहा है हमने अपनी टीमें इमीडिएटली उधमपुर कंट्रोल रूम से डिस्पैच कर दी और हम ये इंश्योर करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि इस तरह का कोई इंसिडेंट इन फ्यूचर ना हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी दे सरबंधे च हर बरे आला लेखा इस बरे भी सांबा जिले दे ककवाल च ऐतिहासिक ते धार्मिक स्थल भगवान श्री नरसिंह दे मंदिर थमां एक शोभा यात्रा कड्डी गई, जेड़ी राजपुरा त्रेली नारन जतवाल वगैरा थमां हुंदी मंदिर च आइए संपन्न होई गई, जेदे च सैकड़ा बते लोकें हिस्सा लैता। इस मौके पर सांबा दे डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा, DDC चेयरमैन केशव दत्त शर्मा ते सांबा दे SSP बेनाम तोश होरें सांझे तौर पर शोभा यात्रा गी झंडी दस्सिए रवाना करवाया। इस मौके पर बोलते ककवाल दे BDC चेयरमैन विजय टगोत्रा होरें आख्या, आज नरसिंह धाम ककवाल में एक भव्य झांकी का आयोजन किया गया है जो हमारे जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि नरसिंह धाम ककवाल में 3 बड़े इवेंट होते हैं, जन्माष्टमी का होता है, रथखड़े का होता है, नरसिंह जयंती का होता है। तो आज भी हम जो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में पहले ऐतवार को जो झांकी निकाल रहे हैं, बड़े हजारों की तादाद में सभी धर्मों के लोग इसमें शामिल होते हैं और बड़े बड़े दूर से हमारे मेले को जहाँ दर्शन करने के लिए भगवान के पुंछ रजौरी डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ और पंजाब और हिमाचल से लोग जहाँ आते हैं। इस मौके पर सांबा के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा, जन्माष्टमी से पहले ककवाल नरसिंह मंदिर से एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है जिसमें विभिन्न झांकियां ककवाल के अलग अलग गांव से होते हुए बॉर्डर एरिया में होते हुए पूरा मंदिर का एक चक्कर लगाएंगी और इसमें भारी मात्रा में जो श्रद्धालु हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। काफ़ी पुरानी एक परंपरा है, इसी परंपरा के जारी रखते हुए ये शोभा यात्रा का आज आयोजन किया गया है। मैं संपूर्ण यहाँ की लोकल टीम का, वॉलंटियर्स का और जितने श्रद्धालु हैं सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ आने वाले जन्माष्टमी। उधमपुर जिले दी सारी वार्डें च व्यापक साफ सफाई सरबंधी मुहिम चलाई गई। उधमपुर दी जिला विकास कौंसल दे अध्यक्ष लाल चंद ते उत्थुआं दी डिप्टी कमिश्नर सलोनी राय होरें ते होर दुए अफसरें मुहिम च हिस्सा लैता। इस मौके पर बोलते हुए डिप्टी कमिश्नर सलोनी राय होरें आख्या, पूरे उधमपुर जिले में सफाई अभियान चलाया जा रहा है जिसमें म्यूनसिपैलिटी के सभी वार्ड्स और सभी गांव और ब्लॉक्स इसमें शामिल हैं और सभी एरियाज में प्रभारी अधिकारी बनाए गए हैं और वे अपने एरिया के सिटीजन्स के साथ और वहां के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ एक अभियान चला रहे हैं। आशा रखते हैं कि लोग इसमें हमारा बढ़ चढ़ के साथ दें ताकि हम उधमपुर को और क्लीन और ग्रीन बना पाए।
उत्तरी रेलवे ने 9 ते 10 सितंबर की दिल्ली च होने आले G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर 40 मेल ते एक्सप्रेस रेल गड्डियों की रद्द कर दिता है। रेलवे ने चौंह गड्डियों के रस्ते च भी फेरबदल किया है। उत्तरी रेलवे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट राय आख्या है जे ए फैसला शिखर सम्मेलन सरबंधी महत्वपूर्ण तैयारियों ते सुरक्षा बंदोबस्तें दे मद्देनजर लिता गया है। उदे आसिया सरबंधे च इक योजना की भी सांझा किया गया है ते रेलवे ने यात्रियों की अपनी यात्रा की योजना बना उदे मूजब करने लिए आख्या है। सेहत महकमे ने किश्तवाड़ के जिला विकास आयुक्त ते मुख सेहत अधिकारी किश्तवाड़ के सहयोग कन्ने एक मुफ्त मैडिकल शिविर का आयोजन किया। ये शिविर डॉक्टर आपके गांव में जतन तहत लाया गया। इसका मकसद किश्तवाड़ जिले के दूर दरडे ग्राएं च मैडिकल सहूलत उपलब्ध करवाना है। छात्रू ब्लॉक के सिपुर आले हाई स्कूल च यह शिविर लाया गया। इस दौरान 1130 मरीजों की जांच की गई। इस शिविर का मकसद शहरी ते ग्रामीण इलाकें च सेहत सबंधी सहूलतें की बिथ की पूरना है। अखीर च खास खास खबरां एक बारी परती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आख्या जे भविक्ख च भारत अंदर भ्रष्टाचार जातिवाद ते सांप्रदायिकता लई कोई भी थार नहीं होग। सांसद जुगल किशोर शर्मा होरें आख्या जे इक राष्ट्र इक चुनाव मुल्ख दे हित च है। सुरक्षाबलें बन्ने आले जिले राजौरी च बेले सिर इक आईडी दा पता लाइयै इक बड्डी घटना गी उन्ने थमां टाली दित्ता है ते जम्मू च साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुंदी मूर्ति थमां पर्दा गुआड़िया गया। एह्दे कन्नै गै खबरें दा बुलेटिन समाप्त होआ।